तो गाइस ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ मैं, दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे हूँ। यहाँ पर भी जो चेकिंग है, जैसे अमेरिका जाते हुए थोड़ी सी चेकिंग होती है, उससे सिमिलर ही है। यानी कि लास्ट टाइम भी आपके बैग्स वगैरह ओपन करवा के सारी चीज़ें वगैरह देखते हैं और बोर्डिंग होगी, ईच एंड एवरी थिंग क्लियर हो गया मेरा। तो अब ये लाइन लगी हुई है प्लेन में बैठने के लिए, यहाँ से डायरेक्ट ब्रिस्बेन। भाई ऑस्ट्रेलिया पहुँच के बाहर निकलते के साथ ही पहला नज़ारा एयरपोर्ट से, ये देखें जी एयरपोर्ट है ब्रिस्बेन एयरपोर्ट। और यहाँ से बाहर निकला हूँ तो अभी टैक्सी की तरफ जा रहा हूँ, टैक्सी लेनी है। और यहाँ का वेदर थोड़ा सा मुझे हवस सी फील हो रही है, 22 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का, थोड़ी सी बारिश आई थी, सुबह हुई है, सुबह के 7:30 हो रहे हैं यहाँ पे। और ओके ओके, हाँ कह रहे टैक्सी यहाँ से मिलेगी आपको, इधर आके खड़े हो जाओ। तो यहाँ से अब टैक्सी लेनी है और अपने होटल की तरफ जाना है। 6 किलोमीटर ये लंबी टनल है और मैंने जापान में भी देखी थी टनल, वो भी काफ़ी बड़ी टनल थी, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में मैंने देख रहा हूँ, ये 6 किलोमीटर की लंबी टनल है, काफ़ी बड़ी है। इस तरह की टनल मैंने अभी तक नहीं देखी, इतनी बड़ी। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में अपने होटल के बाहर खड़ा हुआ हूँ दोस्तों। सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन जो चेक इन है वो शुरू दोपहर में 2 बजे स्टार्ट होगी। वैसे तो नॉर्मल जिस भी कंट्री में मैं गया हूँ तो वहाँ पर 12 बजे से चेक इन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैं अभी जहाँ पे आया हूँ ब्रिस्बेन में, इन्होंने कहा 2 बजे स्टार्ट होती है। तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, 15 घंटे की वैसी फ़्लाइट लेकर आया था, वैसी काफ़ी नींद भी आ रही, थका भी हुआ हूँ, और यहाँ फजूल बैठने से बेहतर था तो मैंने कहा चलें बाकी सिटी में निकलता हूँ बाहर, तो ब्रिस्बेन सिटी उतनी देर में देखता हूँ कैसा है। तो अभी जिस जगह पर रुका हुआ हूँ वहाँ पर है, और डाउनटाउन वाली साइड पर भी मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर कोई रेस्टोरेंट वगैरह पर खाना वगैरह देखता हूँ, सुबह का नाश्ता करते हैं और फिर दोबारा होटल में आते हैं। सुबह का टाइम है भाई, हर चीज़ बंद पड़ी हुई है, इतवार है यहाँ पे आज, और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी अभी तक क्लोज हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। नाश्ता करना था लेकिन अब मुझे पता नहीं, फर्स्ट डे है मेरा वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ से कोई म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, शायद यहाँ पर कोई चीज़ ओपन होगी, देखते हैं यहाँ से जाकर खा लेते हैं कुछ। भाई यहाँ से पीछे से ट्रेन जाती है और ये नीचे देखें यहाँ से टैक्सी वगैरह आपको मिल जाएगी सारी, और पीछे आई थिंक जो एरिया लग रहा है वो डाउनटाउन एरिया लग रहा है ब्रिस्बेन का। तो अभी चलते हैं सारा जाके एक्सप्लोर भी करते हैं, और बड़ा खूबसूरत और ब्यूटीफुल यहाँ का व्यू है, मौसम भी ठीक है, अच्छा वेदर है, ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, बारिश आई थिंक सुबह हो गई थी फ्लाइट लैंड होने से पहले ही। तो अभी चलते हैं नीचे, मैं भी रेस्टोरेंट्स वगैरह कोई देख रहा था कि कोई मिल जाते, लेकिन अभी सब कुछ क्लोज है, इतवार है और सुबह 8 बज रहे हैं अभी, तो सब कुछ क्लोज है अभी। मैंने कहा चलें 2 बजे जब चेकिंग स्टार्ट होनी है उससे पहले पहले जितना सिटी कवर होता है वो मैं कर लेता हूँ, और बाद में फिर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे बाकी का सिटी। ये जी अभी हम वॉक करते हुए सिटी मेन सिटी के अंदर जा रहे हैं, डाउनटाउन में ब्रिस्बेन सेंट्रल ट्रैफिक एरिया इस प्लेस का नाम है, और आगे चलते हैं हम। ब्रिस्बेन सेंटर में आ चुका हूँ दोस्तों मैं, और एरिया खूबसूरत है। अभी मैं यहाँ से बाहर निकला ही हूँ और डाउनटाउन जो है ब्रिस्बेन का सेंटर है, मैं वहाँ पे आया हूँ, और क्योंकि सुबह का टाइम था हर चीज़ क्लोज थी, तो फिर मैंने सोचा चलें थोड़ा सा सिटी में कवर करता हूँ, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये देखें पीछे से बिल्डिंग्स, सिटी को उन्होंने बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ, नीट एंड क्लीन है फुल सिटी ब्रिस्बेन। अच्छा जी ये है जी जॉर्ज विलियम्स होटल, इसके सामने है नाश्ता।
यहाँ पे मैं अभी आया हूँ, एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। अभी जिस जगह पे मैं गया हूँ मुझे ग्रीनरी बहुत देखने को मिली है भाई। सुबह के टाइम पे बने यहाँ पे 7-Eleven है, वहाँ से जाके ये चीज़ें जो मिली हैं मैंने बस वो ले लिया, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था खाने के लिए तो मैंने ये चीज़ें पकड़ ली हैं। क्वीन स्ट्रीट मॉल के पास मैं आया हूँ, बहुत खूबसूरत व्यू है। कैंगरूज पॉइंट के पास जाना है मैंने, वहाँ पे सुना कि वो टूरिस्टिक पॉइंट बना हुआ है, तो उसी को फाइंड करते हुए मैं आ रहा था। तो ये रास्ते में क्वीन स्ट्रीट मॉल यहाँ पे मैं रुका हूँ अभी। अभी ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है, रोड देखें कितने नीट एंड क्लीन है इनके। साइड पे चलते हैं। नहीं जी दोस्तों, ये देखें एक और पॉइंट पे मैं आया हूँ क्रॉस करते हुए यहाँ से। ये देखें नीचे रिवर है, इतना ब्यूटीफुल व्यू है। फ्लाईओवर है, साथ ही एक दरिया जा रहा है। ब्रिस्बेन में ये जी देखें मैं इधर बैठा हुआ हूँ, एक पार्क से ही बना हुआ है। तो ये देखें परिंदे ऑस्ट्रेलिया में क्या खा रहा है। ये जी देखें कितना पास आ गया। हाँ डरते भी नहीं है, पाकिस्तान में हो तो ही पकड़ के भेज दें इसको। दोस्तों मैं यहाँ पे एक ट्रेन स्टेशन पे आया हूँ, मुझे जाना वाइनम सेंट्रल स्टेशन कुछ इस तरह करके नाम है। तो $6.50 की उसकी टिकट आई है, तो अब यहाँ से बैठूँगा और उस स्टेशन पे हमने पहुँचना है। ये जी मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और वाइनम सेंट्रल स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से फिर हम आगे एक दो प्लेसेस हैं वहाँ पर जाना है। अभी बैठे हैं तकरीबन 1 घंटा लग जाना जाते जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बीच पे जा रहा था तो रास्ते में देखें पैदल चलते हुए एक मकान आया जो कि बिल्कुल जला हुआ, देखें बंद किया हुआ उसको। ये अभी बिल्कुल सीधा सी साइड पे निकल रहा है। ये अभी मैं यहाँ से सर करके दिखाऊंगा आपको, ये देखें बिल्कुल। दोस्तों व्यू कुछ ऐसा है यहाँ पे ब्रिस्बेन में, बीच पे मैं एक बीच पे आया हूँ, मुझे नाम नहीं पता। ये देखें मेरा पीछे सर, बहुत ऑसम वेदर, ऑसम व्यू है यहाँ पे। लेफ्ट साइड पे देखें ज़रा, मुझे थोड़ी थोड़ी सी मोंटेनेग्रो की याद आ रही। मोंटेनेग्रो पे मैं एक बीच पे गया था, सेम इसी तरह का व्यू था वहाँ पे भी, नेचुरल ब्यूटी थी। और अभी सुबह के 11 बजे का टाइम है, और ये देखें कितना प्यारा वेदर है। दूसरी साइड पे छोटे बच्चों के नहाने के लिए वो उन्होंने शावर लगाया हुआ है। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाता हूँ बीच का नज़ारा, आगे चलते हैं। कितना खूबसूरत व्यू है, ऑसम व्यू है। दोस्तों हवा भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, सुबह का जो मौसम था वो थोड़ा सा था जैसे कि हबस होती है वैसे था, लेकिन अभी जो मौसम है ये थोड़ा सा ठंडी हवा चल रही है। सही व्यू है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जी फिशिंग कर रहे हैं। आगे ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, ये लोग फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे, इन्जॉय फुल टाइम हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों एक बड़ा पुरसकून सा एरिया है यहाँ पे। अभी देखिए दूर से एक ट्रेन आ रही है, यहाँ पे ट्रेन सिस्टम चलता है सारा सिटी के अंदर। तो अक्सर आप हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर इस तरह के दिखाते हैं पुरसकून एरिया, और यानी कि जो उनके साइड एरिया होते हैं। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में
सिटी से थोड़ा सा समझ लें बाहर ही है, सिटी भी कह सकते हैं आप इसको। ट्रेन रात 1:30 बजे का टाइम है दोस्तों, और सन्नाटे पड़े हुए हैं रोड्स के ऊपर, लेकिन मैं बाहर निकला हुआ हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं सिटी। मौसम क्योंकि अच्छा है, थोड़ा सा थोड़ी हबस कम हो गई है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया, अभी हवा चल रही है थोड़ी सी, तो इसलिए मैं बाहर निकला हुआ हूँ। और क्योंकि मेरी भी फ़्लाइट भी है सिडनी के लिए, तो इसलिए भी मैंने कहा चलें थोड़ी देर मैं बाहर ही बैठ जाता हूँ। भाई जब से ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ तो मुझे भूख ही बहुत ज़्यादा लगने लग पड़ी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लग रही है, पता नहीं यहाँ का पानी है ऐसा क्या चक्कर है। खैर मैं इस टाइम ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ, मेरी फ़्लाइट अभी यहाँ से सिडनी के लिए, और ये बताने का मकसद ये है कि मैं अभी एयरपोर्ट पर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और मैंने एक दो शॉप्स हैं यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर ही जहाँ पर चिकन आइटम्स सारी लगी हुई थी, और मैंने उनसे पूछा कि क्या ये हलाल है, तो उन्होंने बोला नहीं हलाल नहीं है। हालांकि ऑल आइटम्स चिकन की थी और कोई दूसरा मीट वगैरह बिल्कुल भी नहीं था, झूठ बोलना चाहते मुझे वहाँ पे बोल सकते थे, मैंने ख़रीद लेना था, तो इन्होंने बोला नहीं भाई ये हलाल नहीं है, तो आप दूसरी जगह से पता कर लो। फिर मैं यहाँ पे पीछे आया हूँ, यहाँ से मैंने एक कॉफ़ी लिया और साथ में मैंने ये एक एग सैंडविच ले लिया, और साथ में इन्होंने भी बोला कि हमारे पास चिकन आइटम पड़ी हुई है लेकिन हलाल आई थिंक सो नहीं है, उसने भी यही बोला। प्लस उसने एक सजेशन दी मुझे कि ना हमारे पास फलाफिल है तो वो आप ले सकते हो, तो फिर ये मैंने फलाफिल का ये लगवा लिया। तो बात करने का मकसद ये है कि देखें जो चीज़ है इन्होंने एग्जैक्ट बता दिया। जी सिडनी एयरपोर्ट पे हम लैंड होने लगे हैं, सिडनी में आए हैं, और सिडनी में आके जी पहला जो आते ही खाना, ये मैंने जैसे बताया था पहले भी, यहाँ पे आके भूख बड़ी लग रही है मुझे। लें जी ये हमारे दानिश भाई हैं साथ में जी सिडनी में इस टाइम मैं बोडाई बीच पे आया हूँ दोस्तों, बहुत खूबसूरत व्यू है, वेदर भी थोड़ा ठंडा है इसलिए बीच खाली है पूरा, और लहरें जो है दोस्तों वो फुल टाइम जोबन पे है इस टाइम अपने, मौसम ठंडा और पानी भी शदीद किस्म का ठंडा। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये जो बीच है बहुत ज़्यादा फेमस पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है, 3-4 बीचेस हैं जो कि सिडनी के अंदर फेमस हैं, उनमें से एक ये बोंडाई बीच, लेकिन आज यहाँ पर इसलिए रश नहीं है क्योंकि थोड़ा सा वेदर इस तरह का हुआ पड़ा कि थोड़ा ठंडा है, पानी भी ज़्यादा ठंडा है आज, तो इसलिए रश नहीं है आज ज़्यादा। सिडनी में ओपरा हाउस के सामने, ये ओपरा हाउस है, जब भी आप सिडनी की पिक्चर निकालते हो ऑस्ट्रेलिया की तो सबसे फेमस जो प्लेस आती है वो ओपरा हाउस आती है, उसके बाद आपको हार्बर ब्रिज मिलता है, जो हार्बर ब्रिज, ये हार्बर ब्रिज ऑस्ट्रेलिया सिडनी का। तो ये दो चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की सबसे ज़्यादा फेमस, हर इंटरनेट पे कोई भी आप पिक्चर निकालेंगे ऑस्ट्रेलिया की यही निकलेंगी, साथ ये क्रूज शिप है, आप यहाँ पे शिप की सैर कर सकते हो। बाय द वे ये समंदर है, सी है, जैसा कि बॉस्फोरस इस्तांबुल के अंदर तुर्की के अंदर सी है, सेम उसी तरह का ये समंदर है, जब ये थोड़ा सा आगे को जाएगा और ये सारा का सारा आगे बड़े समंदर में तब्दील हो जाता है, वहाँ पर गिर जाता है। ये जी सिडनी में इस टाइम ओपरा हाउस और हार्बर ब्रिज के सामने, ये जी अपना हार्बर ब्रिज, ये ओपरा हाउस, और इसके सराउंडिंग ये सारे कैफे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और हम यहाँ से आ जाते हैं।
भाई यहाँ आके ना फिर पता चलता कि बंदा वाकई सिडनी में आया हुआ, जो फेमस है ना सिडनी, यही एक ओपरा हाउस हार्बर बीच की वजह से है। ये देखिए अब अगर मैं इस साइड से दिखाऊं आपको, ये सेम लाइक मुझे यूएसए न्यूयॉर्क की थोड़ी थोड़ी याद दिला रहा है। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन ब्रिज के पास जब जाएं तो ऐसा ही कुछ आपको व्यूज़ मिलते हैं। ये देखें भाई जी, अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ मैं। ये है जी मेरा रूम, मैं आ चुका था पहले। अच्छा ये अपना वॉशरूम, पुलमन होटल है दोस्तों मेरा, ये वॉशरूम। यहाँ पे आप सारे अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो। और बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ से आपको दोस्तों। मेन सिटी के अंदर है मेरा होटल पुलमन, पुलमन होटल अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर लो आपको मिल जाएगा। बहुत फेमस होटल है ओवरऑल द वर्ल्ड। तो ये मेरा रूम से व्यू है नीचे का, एक नज़ारा चेक करें। मेन सेंटर के अंदर है रूम, सिडनी में ओपरा हाउस और हार्बर ब्रिज के सामने बैठा हुआ हूँ दोस्तों। बड़े खूबसूरत प्लेस है, हवा भी बड़ी प्यारी चल रही है, अच्छी है और थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है यहाँ पे। ब्रिस्बेन में मैंने आपको जैसे बताया था कि थोड़ा सा हवस थी, लेकिन यहाँ पे अच्छा मौसम है, अच्छा वेदर आज का दोस्तों। सिडनी में मैं अभी अपने होटल से निकला हूँ और एक मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ। चीज़ आपको ये दिखानी थी कि जब आप सिडनी में आएंगे तो थोड़ा बहुत आपको इस्तांबुल जैसी भी याद आएगी आपको, क्योंकि इसकी भी जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है। थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि ये देखिए अभी हमको दिखाओ, कहीं से जो प्लेस है वो डाउन है, कहीं से अप है। जैसे कि पीछे अगर आपको देखें तो वीडियो में भी कि आपको सही तरीके से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जो रोड्स हैं इनके समटाइम्स कुछ रोड्स ऊपर वाली साइड पर हैं, कुछ नीचे वाली साइड पर हैं। अब ये देखें ये रोड ऊपर को जा रहा है, वो देखें वो नीचे को आ रहा है रोड, यहाँ से ये रोड नीचे को जा रहा है, यहाँ से ये रोड ऊपर को है। यानी कि थोड़ा पहाड़ी टाइप एरिया है ये सारा। इस्तांबुल भी इसी तरह ही है, काफ़ी सिटीज़ हैं, सिडनी ऑलमोस्ट इसी तरह का ही है सारा। अभी दोस्तों मैं एक मस्जिद के अंदर आया हूँ। अच्छा अंदर जा रहा हूँ तो एक चीज़ आपको दिखानी है। अच्छा जब मैं यूके लंदन में था तो वहाँ पर भी इसी तरह का था कि मस्जिद के अंदर जाके तो डाउन स्टेयर है जहाँ पर वज़ू वगैरह कर सकते हैं। सेम ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह ही है, तो मुझे सेम यूके भी याद आ रहा है कि मैं जब यूके गया था तो सेम ऐसे ही सीढ़ियाँ नीचे उतर के तो वज़ू खाना और गुसल खाना था। अभी वज़ू खाना है, यहाँ से हम वज़ू कर लेंगे दोस्तों। ये मस्जिद का अंदरूनी मनाजिर है, तो अंदर मैं मस्जिद वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं है और मस्जिद के तकद्दस का भी ख्याल करना चाहिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो अंदर नहीं बना रहा हूँ दोस्तों। मैं मस्जिद से बाहर आ गया हूँ। ये मस्जिद है, मस्जिद का नाम है फैसल मस्जिद, फैसल मॉस्क। मेन सिडनी में ये मस्जिद है, आप लोकेशन लगा के आ सकते हो। मेरे होटल से तकरीबन ये 10 मिनट की फासले पर वॉक पे है, पुलमन होटल से सिडनी में। तो अभी स्ट्रीट का नाम मुझे पता नहीं, नहीं तो मैं बता देता, तो आप मैप लगा के आ सकते जो भी बंदा होगा वहाँ पर। रोड पे चलते हुए दोस्तों एक स्कूल आया, सिडनी ग्रामर स्कूल। ये देखें ज़रा पीछे बिल्डिंग चेक करें, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। ये स्कूल है, कितना बड़ा स्कूल है। अच्छा
छुट्टी के टाइम पे दोस्तों, यहाँ पे स्कूल की छुट्टी के टाइम पे रोड जो है वो 40 की स्पीड कर दिए जाते हैं, जो ट्रैफिक है 40 की स्पीड से चलेगी। और आई थिंक सो 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम होता है कि जिसमें रोड स्पीड जो है वो 40 हो जाती है। अगर कोई इससे ज़्यादा तेज़ चलाएगा, स्कूल के सराउंडिंग एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो फाइन है फिर अच्छा खासा। अभी देखो सामने एक बड़ा ब्यूटीफुल पार्क है, आई थिंक सो भाई ये चर्च है बैक साइड पे जो नज़र आ रही है आपको। रास्ते में से चलते हुए बड़ी खूबसूरत प्लेस थी, तो मैं थोड़ा सोचा यहाँ पे कुछ देर बैठ जाऊँ। तो अभी वहाँ तक मैं गया नहीं हूँ, और दूर से देखने में वो चर्च ही लग रहा है। करीब जाते हैं, देखते हैं और फिर उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। ये जी एक चर्च है यहाँ पे सिडनी में। अब मैं इस चर्च में जाता हूँ, बड़ा खूबसूरत और फेमस चर्च को लग रहा है ये। ब्यूटीफुल तो है, फेमस भी आई थिंक होगा, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं। चर्च के अंदर मैं आया हूँ, ये देखें दोस्तों चर्च के अंदर का व्यू, कितना खूबसूरत व्यू है। अगर मैं जाता हूँ लोग बैठे हुए हैं भाई, अपनी मनते मुरादे पूरी मांग रहे हैं। और मोस्टली लोग तो यहाँ पे सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे हैं। भाई ये जो आगे लोग बैठे हुए हैं वो प्रेयर कर रहे हैं, तो यहाँ तक हम वीडियो वगैरह बना सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह उतार सकते हैं। वहाँ फिर अपनी शमें रोशन करते हैं लोग प्रेयर करने के बाद। भाई अगर मैं यहाँ से आके देखूँ तो ये मुझे थोड़ी सी लुक जैसे लंदन में पार्लियामेंट हाउस की है, उस जैसी आ रही है थोड़ी सी इसकी चर्च की। खूबसूरत चर्च है, काफ़ी प्यारा है, अंदर से मैं देख कर आया हूँ। और सिडनी में मेन फेमस प्लेस है हाइड पार्क, उसके पास ही आई है। भाई जी ये मैं सिडनी हॉस्पिटल के सामने हूँ, ये देखें ये जो बाहर रखा हुआ है ना जंगली सूअर का, इन्होंने मुजस्मा रखा हुआ है, ये देखें ये सिडनी हॉस्पिटल है। और अगर मैं इस साइड से आपको व्यू दिखाता हूँ तो ये देखें दोस्तों, काफ़ी नीट एंड क्लीन सिटी है। अच्छा यहाँ पे भी बहुत सारे आपको ना कैनेडियन लीव्स ये मिल जाएंगे, हर जगह पे यही लगे हुए हैं कैनेडियन लीव्स। ये देखें चर्च है, यहाँ पे चर्चेज भी हैं काफ़ी सारे। अभी मैं इसी चर्च से आ रहा हूँ तो ये देखें लेफ्ट साइड पे एक और चर्च है, बिल्डिंग चेक करें दोस्तों। ये मेरे बांग्लादेशी भाई हैं जो कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, मेरे फॉलोवर मेरे फ़ैन हैं ये भाई। यहाँ पे हार्बर ब्रिज के सामने, और ये ओपरा हाउस है, इसके सामने मैं वीडियो बना रहा था, तो ये भाई काफ़ी देर से खड़े हुए फॉलो कर रहे थे मुझे और आए हैं भाई मेरे पास, और कहते हैं कि यार मैं आपकी वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, आप समीर भाई हो। मैंने कहा जी, कहते मैं आपसे दुबई में भी मिल चुका हुआ हूँ। तो जी भाई थोड़ा बताओ अपने बारे में, आप दुबई में थे? हाँ दुबई में मैं अभी काम किया है, मैं दो तीन बार बाकी है, मैं पूछा है जैसे वीडियो में देखे हम जाके ऑस्ट्रेलिया जाने का, किधर के हमका कुछ चाहिए सब रखा, हमको सब रेडी करके दिया है। तो मैं आइडिया देने के बाद में अभी इधर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया इधर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आइडिया दिया है हमको। ये देखिए मैंने एक हमेशा बात की है कि देखें दोस्तों, जो मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ इसमें कुछ लोग मुझसे काम करवा लेते, कुछ अपने थ्रू कर लेते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है, बेशक आप मुझसे नहीं काम करवाते हो, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आप खुद ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके जब यहाँ पे अप्लाई करते हो आपका वीज़ा मिल जाता है। जैसे ये भाई हैं, इन्होंने वीज़े अप्लाई किए, इनके वीज़े लग गए, आज ये ऑस्ट्रेलिया में हैं।
भाई पहले कहाँ कहाँ पे आपने ट्रैवल किया हुआ? पहले गए हो कभी कहीं पे यूके वगैरह कहीं पे गए हो? मैं किधर भी नहीं गया, मैं खाली दुबई में और कहीं बस। अब ये देखें, ये एग्जांपल है, ये बंदा कहीं पे भी नहीं गया हुआ और डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में आया। तो जो लोग कहते हैं कि बड़े बड़े यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्रियाँ चाहिए होती हैं, ये भाई उनके लिए एग्जांपल है। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री इन्होंने वीजे लिए ऑस्ट्रेलिया के। थैंक यू सो मच भाई। दोस्तों इस व्यू को देखने के बाद सिडनी में आके पूरे पैसे वसूल होते हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। ये मैं हार्बर ब्रिज और ओपरा हाउस आया हूँ। यहाँ पे देखें ये समंदर है और ये देखें ये हार्बर ब्रिज ऑस्ट्रेलिया और ये देखें ये ओपरा हाउस। मौसम चेक करें दोस्तों कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल हो गया। यहाँ से भाई ये फेरी की सैर कर सकते हैं, शिप में बैठ के कोई भी क्रूज़ वगैरह शिप में बैठ के आप ब्यूटीफुल वेदर को एंजॉय कर सकते हैं, ब्यूटीफुल व्यू को। चले चलता हूँ मैं भी पूछता हूँ इनसे। ये हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है। देखें दोस्तों कितना ऑसम व्यू हुआ, कितना प्यारा वेदर हुआ बड़ा। और ये देखें दोस्त कुछ शिप में कुछ क्रूज़ में बैठे हुए जा रहे हैं। भाई ये एक आइसक्रीम लगवा ली है, बारिश हो रही थी तो शिप में बैठने से पहले मैंने कहा यार चलो ये आइसक्रीम खा लेते हैं। जी ये शिप में मैं बैठ गया हूँ फेरी में और पूरे सिडनी की सैर करने लगे हैं। हम सिडनी की सिटी की इस सेम लाइक जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में जब मैं गया था तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जा रहा था तो रास्ते में जैसे कि फेरी की सैर करते हुए जो व्यू मिला था सेम इसी तरह का ही ये व्यू है कुछ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हार्बर ब्रिज और ओपल हाउस के सामने। ये देखिए ओपरा हाउस, ओपल कह रहा हूँ ओपरा हाउस के सामने। ये हार्बर ब्रिज, ये पूरा सिडनी सिटी बैक साइड पे। और अगर यहाँ से देखें ये देखें बैक साइड पे ओपरा हाउस। देखें जी पूरे सिडनी का नज़ारा। मैं इस टाइम फेरी की सैर कर रहा हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ। सिंगल ट्रिप आप ले सकते हो, आई थिंक सो $8 में मिल जाएगी आपको। तो इससे आपको पूरा सिडनी का नज़ारा मिल जाएगा। देखिए बैक साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी थोड़ी सी फीलिंग्स इस्तांबुल जैसी है। इस्तांबुल में जैसे मैं पहले गया था तो वहाँ पे मैंने क्रूज राइड लिया था तो सेम उसी तरह का थोड़ा थोड़ा सा हुआ। ये चेक करें दोस्तों पूरा सिडनी सिटी, सिडनी टावर, हार्बर ब्रिज, ओपरा हाउस। इस साइड का व्यू देखें दोस्तों। दोस्तों फीलिंग कुछ ऐसी है कि जैसे कि हम किसी क्रूज में सवार हैं और वो जंगलों में से गुजरता हुआ जा रहा है एक अनजान रास्ते पे। सेम इसी तरह ही है। अभी मुझे भी नहीं पता किधर जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये देखिए नज़ारा कैसा है, कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू है पीछे। और शाम होती जा रही है, पुरसकून हवा, ठंडी थोड़ी सी, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। ये शाम होती जा रही है, सूरज ढल रहा है और ये नज़ारा देखिए मेरा कैसा है।
यहाँ पे देखें घर कितने खूबसूरत हैं, पुरसकून माहौल यहाँ का, आबो हवा साफ साफ खुशगवार। मुझे 2019 की याद आ गई जब मैं तुर्की इस्तांबुल में गया था, तो इसी तरह मैं फेरी पे बैठ के वहाँ पे इस्तांबुल सिटी की मैं राइड ले रहा था, तो शाम के वक़्त ही ऐसी वापस आया और इसी तरह का ही कुछ इन्वायरमेंट था, मौसम भी ऐसे ही था और लाइटिंग भी इस्तांबुल सिटी की इसी तरह हुई पड़ी थी। यह मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हूँ। शाम हो गई है और शाम के वक्त का सिडनी ज़रा चेक करें दोस्तों। जो भी भाई आते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, तो वो शिप की ज़रूर राइड लें, उनको बहुत प्लेसेस देखने को मिलेंगी, इन्जॉय करेंगे फुल टाइम। काफ़ी प्लेसेस ऐसी हैं जो कि नहीं पता होती, जब आप शिप पे बैठते हो आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल जाती हैं। सिडनी में दोस्तों ये एक मेट्रो है, यहाँ से बैठ के आप पूरे सिडनी की सैर कर सकते हो। तो अभी हम भी चलते हैं और देखते हैं, सिडनी को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है, आज जो है बारिश हो रही थी और मौसम अच्छा था आज का। बाकी एक आ रही है ट्रेन, मैं आपको दिखा रहा हूँ मेट्रो, ये देखें पीछे से आ रही होगी अगर आपको, तो मैं थोड़ा सा आगे को जाता हूँ, उस साइड पे दूसरी साइड पे चली गई है। मैं आगे जाते हुए कोशिश करता हूँ कि नज़र आ जाए, वो देखें दूर से टर्न हो गई है दूसरी साइड पर, ये देखें दूसरी साइड पर टर्न हो गई है। अच्छा अभी मुझे कौन सी मेट्रो में बैठना है, आई डोंट नो, कोई भी है चले बैठ जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है। ये एक और आ रही है मेट्रो, अच्छा ये के सामने से आ रही है और ये जा रही है। इस्तांबुल में भी सेम इसी तरह की काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं इस्तांबुल से, क्योंकि मैं इस फेरी में बैठा हूँ, फेरी की सैर की है, वहाँ का भी नज़ारा मुझे इस्तांबुल जैसा लगा। और ये ट्रेन में, ट्रेन भी कुछ वैसी ही है, ये यहाँ पे खड़ी हुई है दोस्तों। ये एक पीछे मॉल है, ये जैसे ही आप शिप से उतरेंगे फेरी की सैर करके निकलेंगे, ये सामने मॉल है सारा, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे मेट्रो वगैरह चल रही है, ये ऊपर ट्रेन भी है, ये देखेंगे ये पीछे मेट्रो ट्रैम कह सकते हैं, ये ऊपर ट्रेन है, और यहाँ से आप पूरे सिडनी में कहीं पे भी अगर जाना हो तो जा सकते हो। और अगर शॉपिंग वगैरह करनी है दोस्तों, ये मॉल है, ये पीछे मॉल है एक बहुत बड़ा, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। भाई ये देखो मैं टिकट ले रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने पे कर दिया हुआ, ये सिर्फ 10 सेंट रह गए हैं। तो भाई क्या हो गया, ये 10 सेंट मैंने किए पे और ये मेरी टिकट ऑलवेज टोटल अच्छा हुई, ये निकल आई। अब टिकट यहाँ से नीचे से निकलेगी, ये टिकट ली है, सिंगल ट्रिप टिकट है। अच्छा ये लाइट ट्रेन की, ये सामने लाइट ट्रेन है, ये जो आ गई है ट्रेन, इसमें बैठेंगे और देखते हैं कहाँ तक जाना है मुझे। कोई रैंडम ले लिया मैंने चाइना टाउन की, कर ली है टिकट, रास्ते में जहाँ दिल करेगा उतर जाएंगे, बैठते हैं। ये जी मेट्रो रेल में मैं बैठ गया हूँ और अब जाते हैं यहाँ से, देखते हैं जहाँ भी दिल करेगा उतर जाएंगे। भाई सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैं उठ गया हूँ, रूम में हूँ, अपने चेकआउट भी करना है आज, क्योंकि एक भाई बता रहा था यहाँ पे कोई करीब एक सिटी है सिडनी के पास, वहाँ पे जाएंगे, तो फिर मैंने उसको यही बोला था कि सुबह सुबह आ जाना और फिर एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। तो अभी बस फ्रेश हो गया हूँ, वेट कर रहा हूँ उस भाई का, फिर आते हैं तो हम दूसरे सिटी निकलते हैं। ये देखें जी सुबह सुबह बाहर का नज़ारा सिडनी सिटी का, चलते हैं आज दूसरा एक सिटी कोई है न्यू, बता रहा था मुझे, पहली बारी मैंने नाम सुना, तो
तो हिल स्टेशन है कोई, वहाँ पे चलते हैं। ए जी हम पार्किंग में आए हैं, पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी की थी और ये हमने जाना था ग्रोसरी स्टोर पे, बट लिया कुछ भी नहीं है और वापस जा रहे हैं। अभी देखते हैं एक और दूसरी जगह पे जाके कुछ चीज़ें लेनी है, वहाँ से ले लेते हैं। ये हमारी गाड़ी है, इसमें राइट हैंड है, चलते हैं। तो जी ये हम बैटी बर्गर पे आए हैं, बैटी बर्गर्स पे आए हैं और आके यहाँ पे सुबह का नाश्ता ही हो रहा है। ये जी सिडनी में बलमोरा बीच है, बहुत फेमस बीच है यहाँ का, जैसे बुंडाई बीच है ये इसी तरह बलमोरा बीच, बहुत बड़ा बीच है। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि अभी मैं एक हिस्से पे आया हूँ, दूसरी साइड पे ये देखें दूसरा पार्ट वो है। ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जैसे कि मैंने पहले बताया अभी मैं दूसरी साइड पे था, ये बलमोरा बीच का इस साइड का व्यू और साथ में दूसरी साइड का भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखेंगे दूसरी साइड है बलमोरा, कितना खूबसूरत बीच है, ये देखें साइड से भी। ये जी मैं एक बलमोरा बीच पे आया हूँ, वो ये देखें नीचे बिच्छू स्कॉर्पियो, इसको हमने अंदर जाते हुए देखा, मैंने कहा चलो बनाता हूँ इसकी वीडियो। नहीं ये बिच्छू नहीं है, देखें दोस्तों कितनी खूबसूरत प्यारी सी जगह है बलमोरा में। बैठी हुई है वहाँ ऊपर। सिडनी में इस टाइम है और हम ये गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, खुद ही डालना पड़ता है, पूरे सिडनी में इसी तरह ही है, ऑस्ट्रेलिया में खुद ही आपने पेट्रोल डालना। बेसिकली हम जा रहे थे कैनबरा, कैनबरा इनका जो कैपिटल है सिडनी से, तो हमने कहा कि पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं उसके बाद निकलेंगे। यहाँ से है कोई 3-3.5 घंटे की ड्राइव पर है। चले यहाँ पे आके इतना तो सीखा है बंदों ने कि बंदा खुद ही पेट्रोल वगैरह डालेगा। अब तो खैर यूएई के अंदर, दुबई के अंदर और अबू धाबी में भी ये फैसिलिटी है कि बंदे ने खुद ही करना है अब सारा, तो अच्छी चीज़ है। कैनबरा जाते हुए रास्ते में देखें दोस्तों कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है, ये जंगल ही जंगल शुरू हो गए हैं, थोड़ा माउंटेन एरिया भी आ गया है। अभी पीछे से वोलोगोंग वाली साइड पर जा सकते हैं, हम सिडनी से हम जा रहे हैं कैनबरा जो इनका कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे कैनबरा जाते हुए रास्ते में ये मैदानी एरिया आ गया दोस्तों, सारा फील्ड्स और पीछे सारे जंगल था। अब ये जो है प्लेन एरिया सारा, कैनबरा जाते हुए ब्यूटीफुल, एक साइड पे ये कोई झील है, ये देखो ये झील है, एक साइड पे पहाड़ है। कैनबरा सिटी के अंदर एंटर हो गया हूँ, ये मेन इनकी प्लेस है कैनबरा की, और ये पीछे मैकडोनल्ड है, यहाँ पे सारी मार्केट है, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह इसी जगह पे हैं, और अभी जाके पूरा सिटी एक्सप्लोर करते हैं कैनबरा का। और यहाँ पे कोई वाटरफॉल भी है, मैंने चेक की थी ऑनलाइन, तो हम उस वाटरफॉल में भी जाते हैं। तो ये भाई हमारे साथ ही हैं जो आए हुए हैं और चलते हैं अभी, क्यों जी चलें एक्सप्लोर करें फिर सिटी को जाके, चलते हैं। ये जी सिटी का व्यू है, यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, ओ भाई लड़ पे जे
लड़ाई हो गई है भाई। ये देखो, ये हम आए हैं एक शॉप पे कैनबरा में, यहाँ से हमने फिर ये हलाल फूड थे ये लगवा लिया, ये खा रहे हैं। पहले तो यहाँ ढूंढना पड़ता ना हलाल फूड है भी है कि नहीं। सही है जी। कैनबरा में हम पार्लियामेंट हाउस जा रहे हैं, तो ये रास्ते में जाते हुए ये व्यू चेक करें ज़रा। कितना औसम, खूबसूरत, पीसफुल, ब्यूटीफुल व्यू है जी। ये करीब हम आ गए हैं पार्लियामेंट हाउस के, तो अभी चल के देखते हैं। ये जी पार्लियामेंट हाउस हम पहुंच गए हैं कैनबरा में, जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। जैसे वाशिंगटन डीसी अमेरिका में पार्लियामेंट हाउस है दोस्तों, वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी जाके, ये सेम ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा में पार्लियामेंट हाउस है। कैनबरा क्योंकि इनका कैपिटल है और अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी था, तो वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस था। और ये ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट हाउस कैनबरा कैपिटल में। तो अभी ये यहाँ पे आए हैं और सिटी देखते हैं। अच्छा, ये जो सिटी है दोस्तों, इसकी जो लुक है सेम लाइक इस्लामाबाद जैसी है, जैसे इस्लामाबाद माउंटेन एरियाज़ के अंदर सारा बना हुआ है खूबसूरत से, सेम उसी तरह ही है। अब ये देखें, ये पूरा हिल स्टेशन बने हुए हैं, और जैसे आप इस्लामाबाद में जाते हो और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में इसी तरह की सारी चीज़ें हैं। देखें ज़रा, ये आपको ऐसे ही लगेगा यहाँ पे आके कि आप इस्लामाबाद आ गए हो। खूबसूरत सिटी है, ब्यूटीफुल है। ये जी हम एक जंगल में से गुजर रहे हैं माउंट एंसली जाते हुए कैनबरा में। पार्लियामेंट हाउस से निकले थे तो फिर हम ये जा रहे हैं आगे 3 किलोमीटर की मुसाफत पे। कैंगरूज मेरे ख्याल में इन्होंने कोई बनाए हुए वहाँ पर, कैंगरूज वगैरह होंगे। तो बड़ी खूबसूरत प्लेस लग रही है, लेट्स सी आगे क्या मिलता है। ये देखें दोस्तों, ये जंगल ही जंगल है राइट साइड पे भी और ये लेफ्ट साइड पे भी, आपको दिखाऊं। वही जैसे हम मरी अयूबिया नथिया गली जाते हुए रास्ते में से ऐसे पहाड़ियों से ऊपर आते हैं तो रास्ते में बंदर मिलते हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको कैंगरूज मिलेंगे। अभी हमने देखे रास्ते में पीछे कैंगरूज थे, जैसे नथिया गली वगैरह में जाए तो बंदर होते हैं आ जाते हैं आगे रास्ते में, तो सेम यहाँ पे कैंगरूज हैं। तो ये हम ऊपर आ गए हैं काफ़ी, अब लेट्स सी कि आगे हमने किधर जाना है। कितने मीटर ऊपर? 1 किलोमीटर ऊपर। यहाँ पे आई थिंक सो हमें स्टॉप करना है और फिर पैदल ही है आगे शायद। हाँ ये देखें, आगे स्टॉप है शायद। ये जी दोस्तों, ये कैंगरूज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे वहाँ पे जाते हुए बंदर मिलेंगे, इस तरह यहाँ पे आपको कैंगरूज मिलेंगे। ये देखें, ये हैं, उसके बाद ये है, माउंट एंसली कैनबरा में। कैनबरा में माउंट एंसली पे आए तो ऊपर से आपको पूरे सिटी का व्यू मिल जाएगा, और कैनबरा में आने के आपके तमाम पैसे वसूल हो जाएंगे यहाँ पे आके ऊपर माउंट एंसली पे आके। ये पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये सारा पार्लियामेंट हाउस है नीचे, यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू मिल रहा है सेम लाइक इस्लामाबाद। और सूरज की वजह से कुछ वीडियो में सही तरीके से नज़र ना आए, बट अगर आप वैसे आएंगे देखेंगे तो इंतहाई खूबसूरत है ये प्लेस। अब ये देखें, ये ऊपर से व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है माउंट एंसली से पूरे कैनबरा सिटी का, ऑसम व्यू है। ये देखें जी पार्लियामेंट हाउस,
माउंट एंसली पे दोस्तों अगर आप आ जाओ तो तमाम सिटी अगर ऊपर आते तमाम सिटी का व्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको, और कहीं जाने की बेशक ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अगर कैनबरा में आते हो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से आपको पूरे सिटी का नज़ारा मिल जाएगा। ये देखिए अभी पूरा इस्लामाबाद जैसा लग रहा है माउंट एंसली से, कैपिटल कैनबरा का। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, अभी देखिए बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। मौसम भी खुशगवार है, अच्छा है। इस टाइम मैं सिडनी एयरपोर्ट पे हूँ और मैं मेलबर्न के लिए जा रहा हूँ, और डोमेस्टिक फ्लाइट है मेलबर्न के लिए। ये सामने फूड कोर्ट है, ये ऊपर सारा चेक इन एरिया और सारा चेक इन है, और इस साइड पे सारे गेट्स हैं, तो भी जा रहे हैं गेट्स की तरफ। मेलबर्न एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं दोस्तों, और अभी बैगेज क्लेम की तरफ जा रहा हूँ मैं। सिडनी से मैं मेलबर्न में फिर अपने होटल की तरफ जाते हैं। सीधा बैगेज क्लेम में निकलने में जाते हैं। मेलबर्न सिटी का वही पहला व्यू है बाहर निकल के एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट में ही खड़ा हूँ बाहर, थोड़ा सा बहुत क्राउड है यार यहाँ पे, तो मौसम भी थोड़ा ठंडा। ब्रिस्बेन थोड़ा गर्म था, वहाँ हवस थी, यहाँ पे सिडनी भी ठीक था। शाम के वक्त थोड़ा सा ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अभी ये सुबह का टाइम है और मेलबर्न में हल्की हल्की सी सर्दी है। भाई मेलबर्न में आया हूँ, मेलबर्न में वेदर चेक करें, और तकरीबन शाम के 5:30 हो रहे हैं। मैं घर आके थोड़ी देर सो गया था और अभी उठ के बाहर भाई निकला हूँ, कोई टर्किश रेस्टोरेंट या हलाल फूड रेस्टोरेंट चेक कर रहा हूँ। अच्छा, मेलबर्न मुझे जो है ना थोड़ा सा लगा है जैसे क्वाइट एरिया है और पीसफुल एरिया थोड़ा सा लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू सिडनी। मेलबर्न का बिल्डिंग आर्किटेक्चर दोस्तों बहुत अट्रैक्टिव है। ये देखें आप, ये पीछे कोई चर्च है, चर्च के सामने खड़ा हुआ हूँ, और हम जा रहे हैं टर्किश रेस्टोरेंट की मैंने लोकेशन लगाई हुई है और वहाँ पर जा रहा हूँ। पीसफुल इन्वायरमेंट है मेलबर्न का। सिडनी थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी है। सिडनी को आप मेलबर्न के साथ या मेलबर्न को सिडनी या फिर किसी भी सिटी को दूसरे सिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। हर सिटी की एक अलग पहचान है और एक अलग ब्यूटी है। ये जी मैं एक स्ट्रीट में आया हूँ, यहाँ पे सामने लिखा हुआ गोभी का चटका, इट्स मीन कि ये इंडियन है कोई, और यहाँ पे आपको कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। तो मैं टर्किश रेस्टोरेंट का लगाया हुआ, वो थोड़ा सा आ गया, पहले उसको देख लेता हूँ, अगर नहीं तो फिर यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ से देख लेंगे। मैं एक जूस रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ हूँ दोस्तों, इस स्ट्रीट में बहुत सारे आपको जूस मिल जाएंगे। यहाँ पे टेलविन रेस्टोरेंट फलाफिल एंड शवारमा रेस्टोरेंट में बाहर बैठा हुआ हूँ, और टर्किश रेस्टोरेंट में ढूंढ रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो मुझे मिला नहीं यहाँ पे। आई डोंट नो कि तरह लोकेशन उसने यहाँ की दिखाई थी लेकिन नहीं मिला। तो फिर मैं ये एक जूश रेस्टोरेंट पे आके बैठ गया हूँ, यहाँ से मैंने शवारमा लगवाया और इनका हम खा सकते हैं, इनका जो खाना है जूश का यहूदियों का वो हम खा सकते हैं, क्योंकि वो भी हलाल ही होता है, कोशर इसको बोलते हैं। तो मैंने पहले पूछ लिया था हलाल है कि नहीं, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, और मुझे पहले भी नॉलेज में था कि जो यहूदी हैं वो भी क्योंकि पोर्क वगैरह नहीं खाते हैं, उनके भी रिलीजन में है, तो इनका हम खाना खा सकते हैं। तो मैंने एक चिकन शवारमा लगवा लिया, उतनी देर में वो रेडी हो रहा है। और इस स्ट्रीट के अंदर आपको बहुत सारे जूस मिल जाएंगे, यहाँ पे शायद इनकी इबादतगाहें भी हैं, और सारा और भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं इंडियन। तो मैं बस यहाँ पे आके बैठ गया हूँ, फलाफिल भी आप लगवा सकते हो, फलाफिल शवारमा और हुम्मस वगैरह। ये देखें दोस्तों, यहाँ से मैंने एक चिकन शवारमा लगवाया, और यहाँ पे
जितने भी जूश फैमिली या फिर जूश लोग हैं वो मोस्टली यहाँ से ही आके खाते हैं। मेलबर्न में मेट्रो स्टेशन पे आया हूँ, यहाँ से बैठ के मैंने आगे डाउनटाउन की तरफ जाना है और ये एक ट्रेन आ रही है दूसरी साइड पे। ब्रिस्बेन में मैंने देखा मेट्रो स्टेशन इनका, ट्रेन स्टेशन, और सिडनी भी देखा, मेलबर्न का मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा। ये मैं एक मेट्रो स्टेशन पे उतरा हूँ तो यहाँ पे आके मुझे थोड़ी थोड़ी सी याद न्यूयॉर्क यूएसए की आ रही है। यूएसए में जो मेट्रो स्टेशन था, ट्रेन स्टेशन था, वो सेम लाइक इसी तरह का इधर है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी हो यूएसए वाली न्यूयॉर्क की तो इसी तरह का कुछ मेट्रो स्टेशन था, काफ़ी पुराना बना हुआ है। ये नहीं कह सकते हैं कि आप हर जगह पर इसी तरह का ही मेट्रो स्टेशन है इनके मेलबर्न के, सिर्फ इस स्टेशन पर मैं उतरा हूँ तो मुझे इस तरह का फील हुआ। अदरवाइज़ काफ़ी इन्होंने खूबसूरत और जदीद बनाया हुआ इंसान। ये भी जो है तकरीबन 50-100-150 साल पुराना होगा। दोस्तों मैं फिलंडर स्ट्रीट स्टेशन के पास आया हूँ, सामने हूँ उसके, बड़ा खूबसूरत व्यू है मेलबर्न सिटी का। ये ज़रा देखें, अगर मैं दिखाऊँ आपको पीछे से, फिलंडर स्ट्रीट स्टेशन, मेलबर्न सिटी, ये देखें। अभी एक ही वक्त में यहाँ से आप ट्रैम चल रही है, मेट्रो चल रही है, बसेस हैं और उसके अलावा टैक्सी है, अगर इसके अंदर जाएंगे ट्रेन चल रही है। ये ट्रेन स्टेशन है, अरे भाई मेलबर्न सिटी ऑसम व्यू है। अगर मैं यहां से दिखाऊं आपको, ये देखें जी स्टेशन, आई थिंक सो दोस्तों ये एक चर्च है, चर्च के पास आया हूँ, बड़ी खूबसूरत चर्च है, ये देखें बहुत ब्यूटीफुल चर्च है ये। मेट्रो स्टेशन इनका जो ट्रेन स्टेशन है, कदीम ट्रेन स्टेशन, उसके पास फिलंडर स्टेशन करके है ये। और अभी दूसरी साइड पे चलते हैं, ये वहाँ पे भी काफ़ी टूरिस्ट हैं। आई डोंट नो ये क्या इसका प्लेस का नाम है, मैं देखता हूँ अभी जाकर फिर बताता हूँ। ये जी नीचे ट्रेन स्टेशन है और वो देखें, वो सामने लाइट्स चल रही हैं, वो मेलबर्न का क्रिकेट स्टेडियम है। ये देखें, ये क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे रग्बी भी खेली जाती है और फुटबॉल भी खेला जाता है। जब क्रिकेट होने वाली होती है तो उसको क्रिकेट पिच बना लेते हैं, अदरवाइज दूसरी भी ये स्टेडियम गेम्स के लिए यूज़ होता है मेलबर्न। ये एक और प्यारा सा नज़ारा मेलबर्न सिटी का, ये देखें, शाम होती जा रही है और व्यू चेक करें यहाँ से पीछे। ये जी यहाँ पे लोग क्रूज और बोट्स की राइड ले रहे हैं, ये जी मैं नीचे आया हूँ और यहाँ पे देखेंगे पीछे से लोग बोट राइड ले रहे हैं और यहाँ का व्यूज़ चेक करें, शाम होती जा रही है और पीछे क्रिकेट स्टेडियम है,
मेलबर्न का वो पीछे जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है। ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल वेदर। ये जी वॉक करते हुए मेलबर्न सिटी की और ठंडी ठंडी सी हवा, प्यारी प्यारी सी खुशगवार मौसम। खूबसूरत सिटी है, क्योंकि मुझे जो फर्स्ट व्यू मिला था जस्ट ओके मुझे लगा था, और फिर मैं तकरीबन आधा पौना घंटा घंटा वॉक करके फिर मैं जब यहाँ पे आया हूँ और ये मैंने प्लेसेस देखी हैं तो ये अनबिलीवेबल। देखें सिडनी खूबसूरत है, ज़रूर है, बट ये खूबसूरत होने के साथ साथ पीसफुल भी है। वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है सिडनी में, फिलेंडर स्ट्रीट स्टेशन पे तमाम रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े और यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं। दोस्तों ये दिखाता हूँ मैं आपको, अगर यहाँ से आप देखो बैक साइड पे तो ये इन्होंने क्रूज शिप शिप्स के अंदर ही बनाए हुए रेस्टोरेंट्स वगैरह, वहाँ पे ये इंजॉयमेंट हो रही है। अभी नीचे देखें समंदर के अंदर ही इन्होंने थोड़ा सा वो एरिया बनाया हुआ है और झील सी, वहाँ पर बैठ के इंजॉय हो रहा है, पार्टीज़ हो रही हैं मेलबर्न सिटी के अंदर। मेलबर्न में मैं अपने होटल से बाहर निकला हूँ दोस्तों और मैं जा रहा हूँ एक हलाल फूड रेस्टोरेंट है वहाँ पे जा रहा हूँ। ये देखें पीछे मेट्रो ट्रेन, ये ट्रेन पटरी है ट्रेन की, यहाँ पास ही मेट्रो ट्रेन जाती है और अभी मैं यहाँ पे स्टॉप पे ही जा रहा हूँ। वो साथ ही 7-Eleven है, वहाँ से आप कोई भी चीज़ परचेज वगैरह कर सकते हो पीछे से। ये जी एक ट्रैम स्टेशन पे आया हूँ मैं, यहाँ से हमने बैठ के और फिर जाना है हलाल फूड रेस्टोरेंट में मेलबर्न में, मेलबर्न में। एक रेस्टोरेंट पे आया हूँ, हलाल फूड के नाम से था, तो यहाँ पे आके पिज़्ज़ा और चिकन लगवाया, अभी फ्रेंच फ्राइज वो भी बनेंगे तो फिर आ जाएंगे वो भी। मेलबर्न के भी साढ़े पंजाबी वीर सानू मिले ने दोनों भाई आए ने एंड वो ये तीसरा दिन ने मेलबर्न के भी पूरे आस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा पर आए ने, गलबात हुई है भाई दे नाल, बहुत मनु अच्छा लगा, बहुत अच्छा वधिया फील होया। बाजी किधर हो? अमृतसर तो पंजाब। अमृतसर की नाम है तुम्हारा? उपमा जी। उपमा गुरनूर, गुरनूर, गुरनूर ते उपमा जी इत्थे जिहड़े नवे आए ने, बड़ा अच्छा मैनू फील होया। तो कुछ कहना चाहोगे साढ़े व्यूअर्स नू? बस नवी नवी थां ते आए जी। मेलबर्न में जाते हुए ड्रॉप आउट चाय वाला, ये एक शॉप आई है, ये लगता है ड्रॉप आउट हो गया था और उसने दुकान खोल ली चाय वाला। ठीक है, ये इंडियन कोई है, मैंने ऑलरेडी यहाँ से उनकी चाय पी है, बहुत मज़े की चाय है। दोस्तों मैं अभी नमाज़ पढ़ के निकला हूँ और जुम्मा निकल गया था अलबत्ता, फिर जोहर की नमाज़ ही पढ़ ली। स्ट्रीट का नाम मुझे भूल गया मैं वहाँ से, क्योंकि वॉक करते हुए इधर आया हूँ, तो आप मेलबर्न में कहीं पे भी हो तो मैप लगा के जा सकते हो। मेलबर्न की काफ़ी बिजी स्ट्रीट है दोस्तों, ये देखें फिलेंडर स्ट्रीट स्टेशन, इसके सामने ही एक स्ट्रीट है जहाँ पे तमाम रेस्टोरेंट्स और ये फूड शॉप्स, कोई भी स्टोर वगैरह हो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये लाइक डाउनटाउन मेलबर्न का, जैसे यूएसए न्यूयॉर्क का डाउनटाउन कह सकते हो, ये सेम लाइक मेलबर्न का। जी मेलबर्न में मैं बीच पे आया हूँ एक, जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ हूँ, वहाँ से तकरीबन 30 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है और 5 to 7 मिनट्स अगर आप आते हैं मेट्रो ट्रैम पे, 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। खूबसूरत बीच है, लेकिन आप इसको सिडनी बीचेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। भाई ये हलाल फूड रेस्टोरेंट पे आए हो तो ये देखें कबाब लगवाए हैं मैंने, खुशबू बहुत मज़े की है भाई, पाकिस्तान की याद आ रही है मुझे तो। चलो
सुना ही खाते हैं लेकिन चाइनीज़ है कोई, लेकिन ये हलाल फूड है यहाँ पे सारा भाई। अखीर मज़े का टेस्ट है इसका ना, जैसे पाकिस्तान में टेस्ट है सेम टू सेम वैसी खुशबू वैसी टेस्ट है। ये रेस्टोरेंट भाई, रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ डोलान भाई, अखीर खाना था इनका बहुत मज़े का था, हलाल फूड है, प्लस इसका जो टेस्ट था दोस्तों सेम टू सेम मुझे पाकिस्तान जैसा लगा, कोई डिफरेंस मुझे नहीं नज़र आया, बहुत मज़े का टेस्ट था यार। अगर कोई भाई ऑस्ट्रेलिया में है और हलाल फूड खाना चाहता है तो मैं उसको मस्ट रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आए और यहाँ पे एक बार आके इनका जो सीख कबाब है और ये टिक्का है ये एक बार लाजिम ट्राई करूँ भाई। जैसे जापान में एक स्ट्रीट थी, मुझे उस स्ट्रीट का नाम भूल गया, जहाँ पर तमाम बड़े ब्रांड्स थे और मैंने उस पर ब्लॉग बनाया हुआ ऑलरेडी, अगर किसी भाई ने नहीं देखा वो देख सकता। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में मैं एक स्ट्रीट में आया हूँ, सेम उसी की मुझे याद दिला रहे हैं और यहाँ पे तमाम बड़े ब्रांड्स हैं। ये एम्पोरियम हो गया, उसके बाद ये देखेंगे अंदर सनग्लास हट और ये देखें कैल्विन क्लीन, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सब यहाँ पे हैं।